बहुत भारी भरकम जीवन नहीं काटा जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबाना चाहता है। सराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है, टेढ़े मेढ़े को लोग कम ही छेड़ते हैं। इसीलिए इतने सीधे भी मत बनिए कि आपको लूट के खा जाए। एक बात बताऊं आपको, अगर बड़ा बनना है हमको और क्रोध को दिल से निकाल दो। महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में जाने के लिए बोल दिया था, अंधा का बेटा, अंधा ही होगा। युधिष्ठिर द्रौपदी को कहा, तुमने ये क्या कह दिया? दुर्योधन को अभिमान के शेखर से गिराया है, निसंदेह उसे बहुत चोट आई है। अनुज दुर्योधन उन लोगों में से है, उन घावों को कभी याद नहीं करते जो उन्होंने दूसरों को दिए हैं, वहीं उन घावों को कभी नहीं भूलते जो दूसरों ने उनको दिए हैं। हो सकता है तुम्हारी एक हंसी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर को और दोनों को बहुत महंगा पड़ जाएगा। साथियों जरा सोचो, अपनी कामयाबी और जीतने की तैयारी करो, नॉलेज इकट्ठा करो। जब तक तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र नहीं होगा, यानी नॉलेज नहीं होगा हर चीज में या बिजनेस में, सफलता मिलना मुश्किल है। अगर आपको पूरा नॉलेज इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन नॉलेज का होना जरूरी है। युद्ध तो तब होगा जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। राजनीति को जब भ्रष्टाचार का जानलेवा रोग लग जाता है तो उसका खून सफेद होने लगता है, प्रतिभाषा बदलने लगती है। हम जो कुछ भी हैं हमारी सोच का नतीजा है। हिम्मत का पहला कदम आपको सफलता दिला सकती है। खुशियों की चाबी क्या है? कई बार खुद को खुश रहने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर आपको वो खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं, क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेवार आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा बेटी, वो चाहे जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी